दोस्तों नमस्कार। कई बार आप 60 के स्पीड में चल रहे थे लेकिन आपकी ओवर स्पीड की चालान आ गई। कई बार आपने रेड लाइट जंप नहीं किया लेकिन रेड लाइट जंप की चालान का मैसेज आपके मोबाइल पे आ गया। हो सकता है कई बार आपने घर से बाहर गाड़ी नहीं भी निकाली लेकिन चालान का मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है, आप सभी ने देखा होगा कि बस वाले को हेलमेट की चालान आ रही है और कार वाले को भी हेलमेट की चालान आ गई। अभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पायलट दिल्ली से लास वेगास की फ्लाइंग कर रहा होगा लेकिन उसको भी चालान आ जाएगा कि आपने रेड लाइट जंप किया है। आखिर ये सब हुआ कैसे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। क्योंकि आपके शहर में जो रेड लाइट की सिग्नल लगी है वो फॉल्टी सिग्नल हो सकती है और जो स्पीड कैमरा चेकिंग के लिए जो इक्विपमेंट लगे हैं वो कैमरा भी फॉल्टी हो सकता है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसके तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एक कंपनी ने 9 करोड़ का चूना लगाया और उस कंपनी ने फॉल्टी इक्विपमेंट सप्लाई किए, यानी कि सिग्नल भी फॉल्टी सप्लाई किए और स्पीड चेकिंग कैमरा जो था वो भी फॉल्टी सप्लाई किए हैं। इसके अलावा एक राज्य सरकार ने अपने पुलिस से चालान कटने वाली मशीन ही रखवा लिया क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और वहां के मिनिस्टर साहब को लग रहा है कि इस चुनाव में कहीं विपक्षी बढ़े हुए चालान का मुद्दा ना बना ले और जनता को अभी चालान मत काटो ऐसा आप समझ कह सकते हैं क्योंकि चुनाव सामने है। तो चालान अब चुनाव का मुद्दा बन चुका है, जो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। तीसरी चीज कि अब आप चालान की वजह से अपनी गाड़ी निकालें या ना निकालें, जिस कदर रोड पे एक हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप से मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से कई बार देखने को मिली है कि पुलिस या ट्रैफिक पुलिस बर्बरता से एक आम जनता का पिटाई करती हुई नजर आती है, जिनकी गलती सिर्फ ये होती है कि हो सकता है वो उन्होंने हेलमेट ना पहना हो या कोई उन्होंने ट्रैफिक वायोलेशन किया होगा, लेकिन मारने का यहाँ पे क्या वजह है ये तो नहीं पता। लेकिन जिस तरह से लोगों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, कभी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, काफी सोचनीय विषय बन चुकी है। इन तीनों ही मुद्दों पे जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सन 2000 के आसपास में एक कंपनी ने इक्विपमेंट सप्लाई किया था जिसमें ट्रैफिक सिग्नल से जुड़े हुए इक्विपमेंट थे और स्पीड वायोलेशन कैमरा, जो कैमरा चेक करती है कि आप ओवर स्पीड तो नहीं है, उस कैमरे की भी सप्लाई की गई थी। वो सारे इक्विपमेंट में खामियां पाई गई है। उस कंपनी ने अभी तक ना कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड किया, ना ही उस कंपनी ने उसके बाद, ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस कंपनी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इक्विपमेंट सप्लाई करने का। उस कंपनी को टेंडर दी गई जिसके तहत ये पाया गया है कि उनके सारे इक्विपमेंट्स वो फॉल्टी थे, खराब थे, यानी कि वो कैमरा जिस भी सिग्नल पे लगे हैं स्पीड चेकिंग कैमरा, हो सकता है वो गलत चालान लोगों को इशू कर रहा है। वो रेड लाइट सिग्नल जहां पे उनकी इक्विपमेंट लगी होगी वहां पे रेड लाइट के बराबर आप जंप ना भी करते होंगे, हो सकता है आपका चालान आपके घर पहुंचता होगा, लेकिन सफर कौन कर रहा है, पब्लिक, जिसके तहत अभी एक FIR भी दर्ज की गई है। और जिन लोगों ने, जिन तथाकथित अफसर लोगों ने उस टाइम में उस टेंडर को अप्रूव किया था, उस कंपनी को टेंडर दिया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की प्रयास कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सारे लोग आज के डेट में दिल्ली से बाहर पोस्टेड है। तो उस फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से हो सकता है कि आप बस चला रहे हो तो आपको हेलमेट का चलान आए, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपको बस का चलान आ जाए, लेकिन इस सब का जिम्मेवार और इस सब की वजह से जो पब्लिक परेशानी झेल रही है, जिनका चालान कट रहा है, उनका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। वहीं हरियाणा सरकार ने बीते 5 सितंबर से अपने ट्रैफिक पुलिस के हाथ में जो उन्होंने चालान काटने की मशीन दी थी उसको जमा करा लिया है और हवाला ये दिया जा रहा है कि उसको अपडेट करने के लिए जमा कराया गया है। लेकिन खबर के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर में चुनाव होने वाला है, तो जिसकी वजह से बढ़े हुए ट्रैफिक चालान की वजह से रोड पे जो अफरा तफरी, और कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले, पुलिस की मार पिटाई, जनता से झड़प, कई चीजें हुई हैं, लेकिन वहीं पे हरियाणा सरकार ने ट्रैफिक पुलिस के हाथ से चालान काटने की मशीन जमा करवा ली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये सोच रही है कि कहीं विपक्षी इस बढ़े हुए चालान को मुद्दा ना बना ले और चालान जो कट रहा है उसकी वजह से जिस तरह से जनता आक्रोश में है, लेकिन कुछ दिन के लिए हो सकता है चुनाव तक हरियाणा के अंदर में आपको चालान का सामना ना करना पड़े। वहीं पे सोशल मीडिया के तहत अब आपको चालान भेजा जा रहा है, वहीं पे हरियाणा सरकार के तहत ही 380 चालान, यानी कि सोशल मीडिया पे आपका फोटो अगर किसी ने डाल दिया कि आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, आपने कोई रेड लाइट क्रॉस करी है, तो उस सोशल मीडिया के वीडियो के तहत या फोटो के तहत आपको
चालान भेजा जा सकता है। ऐसे ऐसे 380 चालान जारी किए गए, लेकिन उस 380 चालान को जमा करने के लिए कोई नहीं आया अभी तक। वहीं पे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान का कहना है कि अगर वो चालान जमा करना नहीं आते हैं तो इनका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस तरह का प्रावधान लाया जा रहा है कि अगर आप चालान जमा नहीं करेंगे तो जब आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस वहां पर नहीं होगा, और इंश्योरेंस तभी होगा जब आप वो चालान जमा करा लेंगे। दूसरी बात इसी में एक और आई है सामने कि जो RFID टोल पे जो गाड़ियां जो फ्री लेन है, खासकर कमर्शियल गाड़ी वहां से क्रॉस कर जाती है, भाग जाती है बिना टोल दिए हुए, तो वहां पे कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है अब, और ऐसी सिस्टम बनाई जा रही है कि अगर कोई भी कमर्शियल गाड़ी बिना टोल दिए हुए फ्री लेन से निकल के चली जाती है तो उस कैमरे के अंदर में उसकी फोटो आ जाएगी गाड़ी की, और जिसको दर्ज कर लिया जाएगा, और जब आप पॉल्यूशन करवाने जाएंगे उस वक्त आपसे वो चालान वसूल किया जाएगा, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बगैर आपका पॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से लिंक किया जा रहा है। तो अब आप अगर फ्री लेन से, खास करके कहा गया है कि एग्रीगेटर्स के साथ चलने वाली गाड़ियां यानी कि ओला उबर में जो टैक्सियां चल रही हैं वो इस काम को ज्यादा कर रही हैं, लेकिन वहां पे ये बताना जरूरी है कि जिस कदर से एग्रीगेटर मनमानी कर रहे हैं बाजार के ऊपर में, और जिस तरह से ड्राइवर्स आज उस हाल में है कि आत्महत्या तक कर रहे हैं, वो 100 रुपया बचाने के लिए भागते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां तो हजारों करोड़ रुपए लेके जो भाग गए उनके बाद आज तक क्या हुआ शायद किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अब ऐसी सिस्टम बनाई जा रही है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि अगर आप कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं और RFID टैग के अंदर भी जो फ्री लेन है वहां से आप अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो अब आपका चालान पॉल्यूशन कराने वक्त उस वीडियो के आधार पे आपका चालान किया जा सकता है। तीसरी बात, पूरे दिल्ली के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, वहीं पे कहा जा रहा है कि 75 लाख गाड़ियां जो एक्टिव गाड़ियां हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर में जो दिल्ली शहर में पार्किंग है वो करीबन 1 लाख गाड़ियों से कम की भी पार्किंग है, तकरीबन 94,000 गाड़ियों की पार्किंग करने की व्यवस्था है, लेकिन वहीं पर 75 लाख एक्टिव गाड़ियां हैं दिल्ली में। वहीं पर अब सरकार पूरी तरह से जो गाड़ी वाले हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ी वाले हों या कमर्शियल गाड़ी वाले हों, इस बाजार के ऊपर जितनी हलचल मचा रखी है और जिस तरह से इस बाजार से एक वसूली की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, इनके पास अपनी सुविधा तो नहीं है, लेकिन अब अगर आप चालान की वजह से गाड़ी नहीं निकाल रहे थे तो अब पार्किंग की वजह से भी आप गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा एक नियम लाया जा रहा है कि मल्टी लेवल्स जो पार्किंग बनाए गए हैं उसके 500 मीटर के दायरे में भी अगर आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी पाई गई तो वो नो पार्किंग जोन माना जाएगा। अगर आपकी गाड़ी फुटपाथ पर भी पार्क कहीं पाई गई साइड में तो भी आपकी गाड़ी नो पार्किंग में माना जाएगा, और जैसा आप जानते हैं कि 20,000-30,000 का चालान है तो सरकार को पैसे वसूलने से मतलब है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर 75 लाख गाड़ियां एक्टिव गाड़ियां आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है, सरकार के पास सिर्फ 94,000 गाड़ियों की पार्किंग है। वहीं पे DMRC से जब पूछा गया कि आपके पास कितनी पार्किंग की फैसिलिटी है तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, यानी कि दिल्ली मेट्रो को ये नहीं पता है कि हमारे पास पार्किंग की फैसिलिटी कितनी है। ये बहुत ही हंसी वाली बात है। ज्यादा लंबी देर के लिए अगर आप पार्किंग करेंगे तो आपको कई गुना पार्किंग फीस देना पड़ सकता है, और वो पार्किंग भी आपको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग यानी कि मेन जगह से हो सकता है काफी दूर वो पार्किंग आपको मिले, और वहां से आपके लिए एक शटल सर्विस की व्यवस्था की जाएगी कि गाड़ी लगाओ और शटल से फिर आप मार्केट आए, जो भी काम है करें और फिर जाए। सबसे बड़ी बात, सरकार एक नियम बनाने जा रही है, आपको कमर्शियल परमिट तभी मिलेगी जब आप पार्किंग की प्रूफ सरकार को दिखाएंगे गाड़ी लेते वक्त में। यहाँ पे एक और चीज सामने आई है कि अगर जिनके पास खाली प्लॉट है तो वो पार्किंग का धंधा शुरू कर सकते हैं, अपने प्लॉट में पार्किंग की व्यवस्था वो प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। ये सरकार नियम लेके आ रही है। अब अगर आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग यानी कि अगर आप किसी स्ट्रीट पे पार्किंग करते हैं, जहां पे आप देखते होंगे जगह जगह पे रोड पे पार्किंग वाले भी खड़े रहते हैं, वहां पार्किंग करते हैं, तो आपको कई गुना तक पार्किंग देना पड़ सकता है, और लंबी टाइम के लिए अगर आप पार्क करते हैं तो हो सकता है कि 7 गुना 8 गुना 10 गुना तक आपको पार्किंग पे करना पड़े। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है जब एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी आएगी जैसे दिल्ली में आती रहती है, उस टाइम में पार्किंग हो सकता है कि 10-10 गुना 15-15 गुना भी आपसे चार्ज किया जा सके। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों, अगर आप कमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हैं
तो आपको अब पार्किंग का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कमर्शियल परमिट मिलेगी। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब आपकी गाड़ी पार्किंग की, अगर नो पार्किंग में खड़ी हुई तो आपका चालान कटेगा, और मल्टी लेवल पार्किंग के 500 मीटर के दायरे के अंदर में अगर आप कहीं गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है तो वो नो पार्किंग में माना जाएगा। और किस तरह से इस राज्य की सरकार ने पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से चालान काटने की मशीन जमा करा ली, क्योंकि इलेक्शन सामने है तो चालान भी अब चुनाव में एक मुद्दा बनता जा रहा है। और जो फॉल्टी रेड लाइट सिग्नल या स्पीड चेकिंग कैमरा लगे हैं, जिसके तहत पब्लिक का जो चालान आता है, जो 60 पे चल रहे हैं उनका 100 का चालान कट के आ जाता है कि आप ओवर स्पीड में थे, किसी ने रेड लाइट जंप नहीं किया उसका भी चालान आ जाता है, आपने रेड लाइट जंप किया, किसी ने गाड़ी नहीं निकाली फिर भी उसका चालान आता है कि आपकी गाड़ी रोड पे थी। तो इसकी इसकी जिम्मेवार कौन है और जिसकी वजह से सफर कौन कर रहा है? एक आम जनता जो 20,000 रुपया उस गलत इक्विपमेंट की वजह से हो सकता है उसको फाइन भरना पड़े, या जिसने भरा होगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ।